बाबा आ जाएंगे, हम ले आएंगे बाबा को। और आप ही तो कहते हो ना कि दिल इज नो कल्याणी विदाउट मलाजी। कलमा ना, कलमा, कलमा आई नहीं अलग होंगे, ढूंढ लेंगे। हमारा लापता बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैडम टेंशन मत लीजिए, मलार सर मिल जाएंगे। हाँ मैं अभी दुर्गा प्रसाद को लेके निकलता हूँ, आप ख्याल रखना। हाय दुर्गा। क्यों अनुप्रिया की जिंदगी में दोबारा ग्रहण बनने की कोशिश कर रही हो? तुम लाख कोशिश करो माधुरी, लेकिन इस घर की बहू बनने का अधिकार तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तुम्हारा और अतुल का जो भी रिश्ता हो, लेकिन हमारी नजरों में वो रिश्ता हमेशा नाजायज ही रहेगा। घर फूटने वाले आंधी के अलावा और कुछ नहीं हो तुम। आपने कह दिया और मैंने सुन लिया, लेकिन वो अनुप्रिया मुझसे मेरी कल्याणी नहीं छीन सकती। और आप लोग, आप सब मिलकर चाहे कितनी भी कोशिश कर ले अनुप्रिया को जिताने की, लेकिन वो मुझसे नहीं जीत सकती। कल्याणी मेरी बेटी है, मैंने जन्म दिया है उसको, और इस बात को कोई झुठला नहीं सकता। पूर्ण विराम। हमसे ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत कभी मत करना। अगर हम चाहते तो तुम्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल सकते थे, लेकिन हम जानते हैं कि आज भी हमारी बच्ची के दिल के तार तुमसे जुड़े हुए हैं, और हम अपनी कल्याणी को दुखी नहीं करना चाहते, लेकिन इस बात का फायदा तुम कभी मत उठाना। सब क्या है? आपने ऐसे अनुप्रिया आंटी को चैलेंज क्यों किया? हाँ, हाँ तो और क्या करती? वो औरत जबरदस्ती मेरी बेटी पर अपना कब्जा कर रही, और तुम चाहते हो कि मैं उसे अपनी बेटी सौंप दूँ? हाँ तो सही तो कह रही है। अब कल्याणी को जन्म इन्होंने दिया, उसे बड़ा इन्होंने किया, तो फिर कल्याणी इन्हें छोड़कर माई को क्यों अपनी आई माने हो ना इधर? हाँ क्या बात कर रही है आंटी आप? कल्याणी कोई जमीन का टुकड़ा थोड़ी ना जो अनुप्रिया आंटी उस पर कब्जा कर लेगी। वो उससे बहुत प्यार करती है, और सच्चाई तो यह है कि कल्याणी इक्वली आप दोनों की बेटी है। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि मैं खुशी खुशी अपनी बेटी उसके साथ बांट लूं? तो मर्द हो ना, इसीलिए समझ नहीं सकते कि एक औरत के लिए उसके बच्चे की अहमियत क्या होती है। आंटी तुम रहने दो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मुझे सब कुछ याद आ गया। थैंक गॉड, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। हाँ कल्याणी, मुझे याद आ गया कि कैसे आओ साहब ने मुझे जलील करके इस घर से बाहर निकाला था। मुझे याद आ गया कि कैसे लोगों ने मुझे कभी बहू का दर्जा नहीं। ये लोग मुझे कभी नहीं अपनाएंगे। मैं अपने दिल से अपनी अपनी बीती हुई बातें भले ही निकाल दूं, लेकिन
इनके दिलों में जो नफरत है वो कभी नहीं मिटेगी, क्योंकि मैं जब से आई हूं ना इस घर में इन लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। माधुरी लेकिन शांत हो जा, तू ऐसे क्यों बोल रही है? कल्याणी मैं तो बीती बातें भुला सकती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि ये लोग मुझे कभी नहीं अपनाएंगे, कभी भी नहीं अपनाएंगे ये लोग मुझे। माधुरी आई 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 वो सर क्या हो गया ये? अरे जैकेट ये किसने दिया? आई ये ना वहाँ पे गंदे अंकल थे, उन्होंने ना मेरे को जबरदस्ती ये पहना दिया। और बोलना उतारने की कोशिश मत करना वरना तुम फट जाओगे, और तुम में बहुत ज्यादा चोट भी लग सकती हो और तुम मर भी सकते हो। मैंने मना भी किया है लेकिन वो माने नहीं, वो बोले ये तुम्हारा गिफ्ट है, और वो बोले कि आपसे बात कराओ जल्दी। हेलो तोहफा पसंद आया कि नहीं भाई? मालूम था मेरे को सच में मालूम था। वैसे ये तोहफा खाली उस पागल के लिए नहीं है बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार के लिए है। क्या बहनी, आज तुम्हारी वजह से तुम और तुम्हारा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। जिंदगी के कुछ आखिरी पल तुम सबको मुबारक हो। मेरे को बहुत याद आएगी बहनी। Bye. क्या हुआ आई? आई बोलो ना क्या हुआ? क्या हुआ कल्याणी बोलो कुछ। आई क्या हुआ आई? आई तो उतारो। दूर हटो सब,
मलहार जी कहना समझ में नहीं आ रहा, करूं तो क्या करूं? मलहार मल्हार मल्हार कैद है कल्याणी। मल्हार कहाँ है कल्याणी, और ये कौन उसे मारना चाहता है? क्या हुआ मल्हार को? मल्हार जी को नक्सलवादियों ने कैद कर लिया है। और वो बाबा को बहुत मारते हैं और उनको नमक भी लगाते हैं मारने के बाद, और नक्सलवादियों के साथ अहीर भी मिला हुआ है। वो अहीर खुद मलाजी की चाल के पीछे पड़ा हुआ है। अहीर कहीं थी मैं मलाजी को छुड़ाने, कहीं थी मैं, लेकिन नहीं छुड़ा पाई मैं मेरे मलाजी को। आप लोग खड़े क्यों हैं? जाइए ना यहाँ से। नहीं कल्याणी, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। आई देखो प्लीज ऐसा मत करो। आओ साहब आप जाइए, चाची आधार को लेके जाइए ना। आई पर आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, आपको कुछ हो गया तो। नहीं आधार को मैं कुछ करने पर जाओ। आधार मैं क्या नहीं होना जाओ। अरे आधार जाओ। आई जाओ तो। साहब तक कल आई को लेके जाइए। आई आई मेरी बात तो। माधुरी तू जा, मामा जी जाइए ना, एसपी जाओ यहाँ से। कल्याणी मेरी बात सुनो। देखो इसके टाइमर में 18 मिनट है, मतलब लास्ट होने में 18 मिनट है, तब तक मैं इस जैकेट को बहुत दूर फेंकाऊंगा। तो नहीं नहीं इतना वक्त नहीं है हमारे पास। होशियार तो तुम बहुत हो वहीनी, पर ये होशियारी दिखाने का वक्त नहीं है। उस जैकेट को बाहर फेंकने की सोचना भी मत। वैसे अगर बाहर फेंक भी दोगी तो भी कुछ फायदा नहीं है, उस बॉम्ब में इतनी ताकत है। जिस जगह भी फेंकोगी ना, वहाँ के आसपास के बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, सब के सब मर जाएंगे। माँ का बच्चा ना सारा। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, तुम उन लड़कियों में से तो हो नहीं जो खुद की जान बचाने के लिए दूसरों की जान खतरे में डाल दे। नहीं हो ना, इसलिए मेरी बात मानो, अकेले मर। और अगर तुमने कोई चलाकी दिखाने की कोशिश की तो उसकी भरपाई दादा को करनी पड़ेगी। अरे दूसरों की जान खतरे में क्यों डालने में तुली हुई हो तुम? पागल पागल हो क्या? देशमुख इसकी बात मानने की जरूरत नहीं है, ये कुछ भी बोल रहा है, ये सिर्फ तुम्हें कमजोर करना चाहता है। मैं आ रहा हूँ पास, मुझे दो ही। रजत दूर है, रजत पास नहीं आना। देशमुख दूर रह, रजत कहाँ ना मेरे? जल्दी से। नहीं कल्याणी छोड़ दो, मेरे पास के छोड़ दो। कल्याणी छोड़ दो, इसे छोड़ दो। आई दूर जाओ। बताओ मेरे पास आई। कल्याणी क्या कर रही हो? देशमुख दूर हटो, रजत दूर रहे, मैंने कहा है दूर हो, कोई मेरे पास नहीं आएगा। और अब तक चले जाइए, भागे यहाँ से। नहीं कल्याणी, मैं कह रही हूँ ना दूर हटो, जाओ आओ सब जाइए ना। कल्याणी ये सब मत करो, फेंक दो। मेरे पास कोई नहीं आएगा, मेरे पास कोई नहीं आएगा। मैं कह रही हूँ सब दूर चले जाओ, और काका प्लीज आई को लेके जाइए। कल्याणी मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। कल्याणी जाने वाली मैं। कल्याणी कहीं नहीं जाने। क्यों कर रही है सब पागलपन? उतार दे उसे, कोई जरूरत नहीं सब करने की। नहीं माधुरी प्लीज, माधुरी प्लीज तू चली जा। माधुरी माधुरी भाग यहाँ से, आई भागो यहाँ से, प्लीज जाओ। प्लीज चले जाओ, जाओ यहाँ से। 15 मिनट में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा, मैं कह रही हूँ ना, जाओ यहाँ से प्लीज। मैंने पुलिस वालों को कॉल किया, वो जस्ट आते ही होंगे, लेकिन ये तो 15 मिनट में ब्लास्ट हो जाएगा। नहीं कल्याणी बात सुनो। नहीं 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 रखते थे, सबका वक्त है, सबको लेके भाग यहाँ से, जाओ। फेंक इसे। नहीं कल्याणी भाग, देखो प्लीज चले जाओ। और एसपी आप भागे, पिल्लू का ख्याल रखना। तुम्हें छोड़कर कैसे जाऊँ इस नन्ही सी जान के लिए? मुझे पता है मुझे जाना होगा, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा। मेरे पिल्लू को लेके जाए यहाँ से, पिल्लू को कुछ होना चाहिए, जाइए ना एसपी। जाओ सवारी जाओ। कोई नहीं जाए। पिल्लू
कल्याणी ये पागलपन छोड़ो और ये जैकेट उतारो। और मामा जी आप क्यों खड़े? अरे आप दोनों को तो पिल्लों का संभालना होगा ना। पंडित जी उन्हें भी तो उन नक्सलवादियों से छुड़ाना होगा। और अब ये काम ना मैं आपको सौंप रही हूँ बाबन जी। पंडित जी को जाके छुड़ाइए बाबन जी प्लीज। पंडित जी को उनके बेटे से दूर मत करिए। पंडित जी को जाके ढूंढिए और पिल्लों का भी ख्याल रखना आपको। लेकिन तुम ठीक है प्रॉमिस कर रहे हैं आप दोनों का ख्याल रखेंगे ना। जाइए बाबन जी बाबन जी जाइए। पिल्लों का ख्याल रखना और पंडित जी का भी। कल्याणी सवाल ही पैदा नहीं होता है। काका प्लीज काका आप अपने लिए नहीं तो दूसरों के बारे में तो सोचिए। कामा का उन मासूमों की जान को क्यों खतरे में डालना चाहते हैं आप? काका देखिए प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड एंड चले जाइए आप यहाँ से। और फिर दूसरे लोगों को यहाँ से दूर जाने के लिए कहिए। जाइए ना काका। अरे खड़े क्यों आप लोग? अरे दिखाई नहीं दे रहा था 14 मिनट बचे इसके अंदर। जाइए ना। कल्याणी ठीक है मैं उन्हें सतर्क करता हूँ लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं वापस आऊंगा। रचित रचित तू भी जा। देशमुख मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। चलो रचित। औसेब आप जाइए ना। पल्लवी चाची लेके जाइए औसेब को। और हमें कल्याणी अरे हम अपनी जिंदगी जीत चुके हैं बेटा। हाँ वो जाके हमें दे दो। पल्लू अपनी चाची के बिना कैसे रहेगा? नहीं आप जाइए जाइए आप औसेब प्लीज। ये सब इस मनहूस औरत की वजह से हुआ है। इसके बुरे कर्मों का फल हमारी कल्याणी को भुगतना। औसेब परमेश्वर माधुरी तू क्यों खड़ी है? आई तुम क्यों खड़ी हो? जाओ ना यहाँ से। कल्याणी मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं आई आई प्लीज मैं हाथ जोड़ी तुम्हारे आगे आई आई जाओ। माधुरी तुम दोनों को स्पेशल ही बोलू क्या? अरे जाओ ना। कल्याणी तुम क्या करिए पागल है क्या? आई आई प्लीज भागो यहाँ से माधुरी को लेके जाओ। नहीं कल्याणी मैं नहीं जाऊंगी। आई तुम समझ क्यों नहीं रही हो? अभी वक्त नहीं है हमारे पास। और प्लीज आप ये ड्रामा मत करना। जिएंगे साथ में जिएंगे मरेंगे तो साथ में मरेंगे इतना बकवास की बातें होती है। आई देखो प्लीज हाथ जोड़ रही हूँ तुम्हारे। प्लीज तुम दोनों चली जाओ यहाँ से प्लीज। कल्याणी तुम अपना ये पागलपन छोड़ और इसे उतार फेंक दे। हम यहाँ से भाग सकते हैं तो इसे फेंक दे। नहीं माधुरी इस वाड़े के 100 मीटर तक कोई घर नहीं है। और अगर मैं कहीं दूर जाऊंगी तो फिर क्यों मैं खामखा उन मासूमों की जिंदगी को खतरे में डालूं? नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे कुछ नहीं सुना है तो इसे निकाल कर फेंक के यहाँ से भाग सकते हैं। माधुरी मैं ये बॉम्ब यहाँ पे नहीं फेंक सकती हूँ। अगर वहाँ पे अहीर को पता चल गया ना तो पता नहीं वो मेरे पलटी सब क्या करेगा। नहीं मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। माधुरी आई तुम दोनों जाओ ना। ठीक है मैं चली जाती हूँ। लेकिन जाने से पहले एक बार तुम्हें गले लगाकर तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। जीना 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 रे उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहरा जीना जीना रे उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराए रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का रंग तेरी जीत का है लाई 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 रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का माई तेरी चुनरिया लहराए जब जब मुझ पे उठा सवार माई तेरी चुनरिया लहराए जीना जीना रे उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराए। चलो कल्याणी जल्दी चलो सिर्फ 12 मिनट बचे। हाँ
ये से तेजी से क्रॉस कर रहा है, ये अभी फटने वाला है क्या? हाँ हो सकता है कि ये ना ये बैरोमीटर वाला बॉम्ब हो। मैंने इसके बारे में इंटरनेट पे पढ़ा है। इस बॉम्ब को अगर जमीन पे फेंको या फिर इसको लेके तेजी से भागो ना तो ये डबल द स्पीड पे चलने लगता है और जल्दी ब्लास्ट हो सकता है। इसको 10 मिनट में बरकरार रखने के लिए ना वापस पहनना ही होगा। क्या